बुरहानपुर जिले के ग्राम दापोरा में रहने वाले विठल पाटिल सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद खेती किसानी कर रहे हैं, जिससे उनको लाखों रुपए की आवक हो रही है। विठल जिले के समृद्ध किसान हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। विठल ने दो सरकारी नौकरियां छोड़ी है और खेती किसानी शुरू कर दी है, जिससे उनको अब लाखों रुपए की कमाई हो रही है। किसान विठल पाटिल का कहना है कि मुझे सन 1974 में सबसे पहले पटवारी की नौकरी लगी, जिसके बाद 1977 में मैं सरकारी शिक्षक बन गया था, लेकिन मैंने दोनों सरकारी नौकरी छोड़ दी और खेती करना शुरू की, जिससे मुझे अब लाखों रुपए की कमाई हो रही है। किसान विठल पाटिल को माता पिता से खेती करने की प्रेरणा मिली है, इसलिए अब किसान विठल पाटिल 1978 से खेती करना शुरू की है। सबसे पहले 20 एकड़ में ही खेती करते थे, लेकिन आज वे करीब 100 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें हर साल 30 लाख से अधिक की कमाई हो रही है। आपने दो सरकारी नौकरी छोड़ के आप खेती कर रहे हो, क्या आपका है उसके पीछे? मेरा नाम विठल नारायण पाटिल, मैं ग्राम दापोरा का कृषक हूँ। मैंने सन 1975 में हायर सेकेंडरी पास की। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि हम आगे उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाए। फिर भी मैंने एशियन कॉलेज खंडवा में बीएससी में एडमिशन लिया। उसके बाद में पटवारी ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकली, तो मैंने सन 1976 में पटवारी ट्रेनिंग पास की खरगोन से। उसके बाद में बीटीआई के लिए मैंने 1976 में ज्वाइन किया पटवारी ट्रेनिंग। उस समय ऑर्डर आया होशंगाबाद जाना है, मैं जा नहीं पाया क्योंकि ज़िले में होता तो सर्विस ज्वाइन कर लेता। फिर 1976 में मैंने बीटीआई ट्रेनिंग ज्वाइन किया और 26 जुलाई 1977 को धामनगांव मिडिल स्कूल में मैं शासकीय सेवा में ज्वाइन किया। उसके बाद में मैंने रेलवे के लिए अप्लाई किया 1979 में, 1978 से लेकर, तो 1980 में मुझे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में क्वालिफाइड हो गया। जनरल ट्रेनिंग स्कूल भुसावल में मुझे मेडिकल वगैरह कराया गया और वहाँ ज्वाइन करने के लिए लेटर आया। फिर भी मैं वहाँ खेती के लगन, मेरी जो रुचि थी और उस कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया, नौकरी वो रेलवे की भी नहीं कर पाया। पिताजी की इच्छा थी कि अपनी खेती है पुश्तैनी, तो हमें खेती करना है। तो मैंने फिर 86 तक शासकीय सेवा में काम किया। 84-85 तक मैंने दापोर हायर सेकेंडरी में शिक्षक की नौकरी की और 87 में मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद में मैं सतत कृषि में ही लगा हूँ और मुझे इस कृषि में जो लगन थी और मैंने जो मेहनत की, उस हिसाब से मुझे जिले का सर्वोत्कृष्ट किसान पुरस्कार 2 बार, एक बार ड्रिप इरीगेशन अपना बनाना पे, एक बार तुअर पे अरहर, और उसके बाद में जो ऑटोमेशन लगाया है हमने, भतीजे और हमने, संयुक्त परिवार है हमारा, तो ये ऑटोमेशन से हम किस प्रकार से पानी की बचत, समय की बचत, केले की गुणवत्ता को किस प्रकार से बढ़ाते, उत्पादकता कैसी बढ़ती है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो उस पर मुझे 2 साल पूर्व ही उद्यानिकी विभाग से जिले का सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और 2011 में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से जलगांव से पुरस्कार मिला 51,000 रुपये का, और 2013 में जो हमारे मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनके हस्ते मुझे वाइब्रांट गुजरात में 51,000 रुपये का जिले का उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जब आपने खेती 1987 में शुरू की थी, जब आपके संयुक्त परिवार की कितनी खेती थी और आज ये बढ़ के कितनी हो गई? सन 1987 में खेती थी हमारी 55-60 एकड़, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई, तो आज हमारी 125 एकड़ खेती पूरी इरीगेटेड है। कितनी क्या क्या फसल लगाई इन 10 सालों में, किन किन कौन कौन सी? हमने 1977 से केला लगाना प्रारंभ किया था, जबकि पूरा गांव सब सिंचाई की खेती करता था, हम ही एकमात्र ऐसे थे 77 तक कि वो असिंचित खेती थी हमारी। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ये मतलब कितनी मदद आपको मिली इतना संपन्न किसान बनने में? हमने जब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आया जलगांव में 1987 में, तो उसी समय हम एकमात्र किसान थे पूरे खंडवा जिला, उस समय बहनपुर जिला नहीं था, तो मैंने 48,000 रुपया नगद देकर 4 एकड़ का ड्रिप इरीगेशन लगाया। फिर 88-89 में एमपी अग्रो थ्रू 50% अनुदान पर ड्रिप इरीगेशन चालू किया, तो मैंने पूरा 100 एकड़ में ड्रिप डाल दिया। जब से फिर ड्रिप से खेती की जो पैदावार थी वो बढ़ती गई और शासन से 50% अनुदान मिलते गया, उसमें किसानों की जो काम करने की शैली है, लगन है, वो बढ़ता है और उत्पादकता भी बढ़ती है। आप मानते हैं कि आप शिक्षक से संपन्न किसान बने, उसमें सरकारों का भी आपको काफी मदद? सरकार का तो अनुदान देना, उसमें तो किसान को थोड़ी सहायता मिलती है, तो लगन से काम करता है व्यक्ति। जैसे अभी केला टिश्यू कल्चर के पौधों पे अनुदान मिलता है, तो केला टिश्यू कल्चर आज 15 रुपये का हो गया, 16 रुपये का हो गया, पहले 12 रुपये का मिलता था।
उस समय भी शासन से अनुदान मिलता है। अब केला कंद बीज खरीदेंगे हम तो ये 5 रुपए का मिलता है, 5 रुपए का 1 रुपया लगाना 6 रुपया, 16 रुपए में अगर शासन 8 रुपया अनुदान दे देगा तो 2-3 रुपए ज्यादा देके टिश्यू कल्चर के पौधे लगाना किसान उचित समझता है। केंद्र की जो मोदी सरकार है, राज्य की जो शिवराज सरकार है, उनकी किसान हितैषी योजनाओं से आप कितने प्रभावित? नहीं, वो तो पूरा प्रभावित हूँ मैं, 100% प्रभावित हूँ उनकी योजना। अब उन्होंने जो किसान सम्मान निधि दी है 2000 रुपए, मैं वास्तव में बताऊँ जब वो प्रारंभिक 2000 रुपए आए थे उस समय मैंने वही 2000 रुपए में मेरी स्वयं की जो दवाई थी, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अपने पास पैसा है, फिर भी वो 2000 रुपए से मैंने मेडिकल में दवाई खरीद के मेरे स्वास्थ्य को लाभ मिला था। यानी कौन सा पैसा कब शासन से मिलेगा और अपने को कब उसका फायदा होगा, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। आप एक संपन्न किसान हैं और किसान एक मुद्दा रहता है देश का, प्रदेश का, किसान के बाद संकट भी आता है, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कर रहे हो? संदेश ये देंगे कि लगन से समय पे काम करो, खेती एक ऐसा है कि इसमें समय चुकना नहीं चाहिए, जैसे दवाई का प्रयोग करना है तो समय पे होना चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट करना है समय पे, वातावरण को देख के किसानों की जो समस्या आती है जैसे फसलों की समस्या आती है, कृषि वैज्ञानिक है, KVK हमारे पास में है और हॉर्टिकल्चर विभाग है, वैज्ञानिक है, इनसे सलाह लेके हम अगर अपने ज्ञान का उपयोग करके खेती करेंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपका नाम? मेरा विठल नारायण पाटिल, ग्राम दापोरा का मैं कृषक हूँ।